पर यह है कि चीन तड़प रहा है और उसके पता ही नहीं चल रहा कि सामने कौन खड़ा है। एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, जिसे कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मूव है। चीन की चालबाजी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। अपने पड़ोसी को बतलाना चाहता हूं, कल चाइना के भी यदि कुछ प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें। परेशान कुन भी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे मैं किससे बात करके क्या तवक्कु करूं। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशश उभरती हुई मार्केट बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इससे पहले की अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। उसके लिए मेरा ख्याल है इंडिया अपने जो ट्रेडिशनल मीन्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें मैक्सिमम एयर पावर लेना, मैक्सिमम सी पावर लेना। तो 10 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन 39% अभी हैं, 42-43% तक पाकिस्तानी जो है वो खतरे गुरबत के नीचे चले जाएंगे। पाकिस्तान में 38% है, बाज के मुताबिक 40% है। अब ये फ़र्क देखें पिछले 20 साल में कितना पड़ गया है दोनों ममालिक में। अच्छा, बांग्लादेश जो हम जिसको हम बड़ा तजी का मेज तरीके से मुखातिब करते रहे, वहाँ 20% है गुरबत। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा। उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का है। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वही स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इस देश की रक्षा के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हमारे अरुणाचल के रहने वाले नौजवानों के अंदर है, बहनों भाइयों के अंदर है। भारत और चाइना के हवाले से वैसे तो बहुत सी खबरें आम हो चुकी हैं कि भारत और चाइना की आपस में बहुत लग रही है। भारत काउंटर करने के लिए बहुत सी नेवल बेसिस भी तैयार कर चुका है, बहुत से ऑपरेशन भी लॉन्च कर रहा है। इसी में खबर सामने आ रही है कि चाइना LAC पर बहुत से ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है, साथ ही साथ लद्दाख के करीब एक एयरबेस भी बना रहा है, जिसको भारत काउंटर करने के लिए कह रहा है कि ऐसे ऑपरेशन लॉन्च हो गए कि चाइना को उनकी मासी याद आ जाएगी, चाइना को पता लग जाएगा कि भारत भी कोई कंट्री है, भारत भी एक ऐसा मुल्क है जो आपको काउंटर कर सकता है। इससे पहले की अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भी भारत ने चाइना को अच्छा मजा चखाया था। इसके बारे में क्या कहेंगे, चाइना को काउंटर करने का सोच रही है, कह रहे हैं कोशिश भी बहुत तगड़ी है। तो जाहिर है वो कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पहुँच भी जाना वहाँ तक। हमारे यहाँ कोशिश नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ही सही नहीं है तो और क्या चलना है, जब एजुकेशन नहीं है तो हमने क्या करना है। आगे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने का काउंटर करने का सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उस सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को बीट करने के लिए? हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल। चाइना फॉर अस, चाइना हमारे लिए, जाहिर है हमारा हर काम ही चाइना ही कर रहा है, सब कुछ ही चाइना है, जो भी चीज़ आ रही है चाइना से ही आ रही है ना, तो हम खुद क्या है। चाइना को अपना किंग मानते हैं? मानते तो नहीं है लेकिन मजबूरी है कि बस ही कर दे, सब कुछ वही कर रहा है तो फिर जाहिर है किंग। हालांकि हमें खुद करना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं है। भारत इतना पावरफुल कैसे हो गया कि 2020 में भी उन्होंने अच्छा खासा ठोका था चाइना को, अभी भी अगर बात करते हैं तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, नेवल बेसिस भी बनाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भारत है ना उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा आगे चला गया, दूसरा उनको फ्रीडम मिल रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा भी फ्रीडम ले तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा फ्रीडम है भारतीयों के पास? भारतीयों के पास जाहिर है वो अपने राइट यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ राइट यूज़ करें, यहाँ पे जरा नाम ले एक आप जेल में पहुँची होंगी। ईगो डाला ऑन इट्स वे नहीं, ये चीज़ आप डालें ना इसमें, पता चलेगा आपको बस। नहीं, ये बताएं उनके पास फ्रीडम है क्या? फ्रीडम उनके पास यही है कि वो अपने राइट्स यूज़ करते हैं, एजुकेशन सिस्टम उनका इतना ज़्यादा है कि हाई लेवल पे जा रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो करेंगे, वो कोशिश करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उनके पास जब एक टेक्निकल चीज़ आ रही है तो वो तो यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ जो एजुकेशन के जो चीज़ें हैं ना पीछे से आ रही हैं, सिस्टम आ रहा है से पीछे से आ रही है। ये जो सिस्टम आ रहा है ना, आप जानती हैं बेहतर तरीके से कि वो कहाँ से आ रहा है। ओके ओके ओके, किसी काम का नहीं है। हम तमाम हुकूमतें जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर,
मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। इंडिया के हवाले से जो क्वेश्चन है, ये जिसे कहते हैं ना कि मे बी इंडिया विल बी पार्ट ऑफ द ऑकस माइनस मिलिट्री कॉम्पोनेंट बट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे वो चीन से मुकाबला करना चाहता है। कहना कीबोर्ड वॉरियर्स मैं आपने बनाऊंगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सो इफ यू कीप ऑकस ऑन दीज लाइन्स वी आर विद यू। क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये है कि चीनी जो है उनके पास तो ये सारा कुछ है। जो अगले दिन हम बात कर रहे थे, जो राजनाथ सिंह साहब पे तनकीद हो रही थी, वेयर ही वाज सेइंग दैट वी आर रेडी इन केस चाइना अटैक्स अट फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी, द पीपल हु आर इन द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इन इंडिया, दे आर सेइंग द नेक्स्ट वॉरफेयर इज नॉट ऑन भाई ऑन लैंड एयर सी, इज इन द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इज इन द साइबर डोमेन, इज इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यहां पे होनी है। और आप कह रहे हैं कि फौजी अंदर वाड़ा उन्होंने चीन के बॉर्डर तो अंदर कितना आ जाने, वो एक आधा छोटी सी टकटलियां हुई हैं, वो तो बस एक वो टेम्परेचर सेट करने के लिए। सो जिस जो जो चीज़ें इंडिया को ऑफर की गई हैं, इंडिया ये तमाम चीज़ें लेना चाहता है विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ अ मिलिट्री अलायंस। और मैं जैसे क्वाड की बात कर रहा था, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, उसमें भी इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट इनटू एनी पैक्ट, कोई ट्रीटी नहीं है हमारी, क्वाड इज नॉट अ ट्रीटी, हम किसी के खिलाफ किसी महाज में नहीं है। यही चीज बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक को खटकती है और वो इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज भी हमसे लिए जा रहे हैं और कुछ हमें देता भी नहीं है रिटर्न में, और कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अचीव करेंगे। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें करते हैं और कहते हैं हम आपके पार्टनर हैं, लेकिन ऐसा करना कुछ नहीं, लेकिन आपसे जो है वो हम लेंगे। ये चीज जो है हर वेस्टर्न मुल्क को तड़पाती है, परेशान करती है। अब आजाद नहीं करना है, अपने जेरे असर रखना है, उनको इनसिक्योर करके अपने साथ रखना और कहना है कि हम पार्टनर हैं और है दुश्मन है, मतलब दिस इज वॉट बींग डन विद हैज बीन डन विद द यूरोप। यूरोप के साथ भी यही है, और रशिया आपको बड़ा क्रेडिबल थ्रेट है, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं, अब ये किस तरफ जाएगी, कैसे चीज़ें चलती हैं, ये थोड़ा सा पता चलेगा। इंडिया सरमायाकारी के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशश उभरती हुई मार्केट बन गया है, चाइना को पीछे छोड़कर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इंडिया की, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका तो 110% गारंटी है कि आपको पे बैक मिलेगा। और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पे बैक के चांसेज 50-50 रहते हैं। अगर यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इंडिया का ये भी है कि वहाँ पर जितने कंपनीज़, जितनी पॉपुलेशन और जितने लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको गारंटी होती है एक चीज़ की, यार अगर हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो हमारा लॉस नहीं होगा, हम ब्रेक इवन तक चले जाएंगे, हमारा रिकवर हो जाएगा, हम सेफ एंड रहेंगे। हनान, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद ये बोला है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। उन्होंने कहा कि इंडिया में लगाया गया एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। क्या कहेंगे जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद इतने बड़े दावे कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस और कितना बिल्ड होगा इससे? देखिए, एक तो नरेंद्र मोदी की कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि पिछले दो गवर्नमेंट्स उसी की आ रही हैं और होपफुली जैसे वो काम कर आगे जाके भी इसी की जाएंगी।